सो अटेंडेंस शीट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा टू मेक अ कॉपी। तो बेसिकली ये जो अटेंडेंस शीट हमारे सिस्टम पे है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम पे आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ईमेल आईडी आपका पूछेगा, आप सेव करिए। एंड सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन है मेक अ कॉपी, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। मेक अ कॉपी करने से क्या होगा, इसी पूरे शीट की एक कॉपी बन जाएगी आपके सिस्टम में और इस तरह से सेव हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन चेंज करना है, एजेंसी नेम जो भी आपके सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है वो डाल दीजिए, क्लाइंट का नाम डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, मंथ डाल दीजिए। अगर आप अटेंडेंस ऑनलाइन बना रहे हैं, अगर बिल के साथ आपको अटेंडेंस देना है, तो आप इस तरह से इस शीट में ही बना सकते हैं। आप स्टाफ का नाम लिखिए, उनका डेजिग्नेशन का इनिशियल लिखिए, और डे शिफ्ट है नाइट शिफ्ट है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ये आप ऐड कर सकते हैं। और फिर 1 से लेके 31 डेज तक का महीना है, तो बेस्ड ऑन दैट आप प्रेजेंट एब्सेंट उसका डाल के टोटल कर लीजिए। यहाँ पे डे टोटल लिख दीजिए, नाइट टोटल एंड ग्रैंड टोटल, बेस्ड ऑन दैट आप उस सामने वाले को बिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज क्लाइंट के साथ नहीं देना है, तो हर एक साइट पे इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मतलब ये जो प्रेजेंट लिखा है इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, पूरा सिलेक्ट करके इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद इसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अब इसकी कॉपी वहाँ के जो गार्ड या सुपरवाइजर है उनको दे दीजिए, ताकि वो हर दिन वहाँ पे प्रेजेंट ही अपनी लगाते रहें। और लास्ट में 30 या 31 दिन होने के बाद जो भी उसका स्टेटस होगा, उसकी फोटो आपको व्हाट्सएप पे वो सेंड कर देंगे और आप यहाँ पे ऑफिस में उसी साइट का बिलिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन कितना प्रेजेंट ही है। तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट आप अपने एजेंसी में यूज कर सकते हैं।